नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सिंगरौली कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चितरंगी से प्रारंभ। सिंगरौली जिले के चितरंगी से भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों द्वारा जनता में विश्वास जगाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज विधानसभा चितरंगी से कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश में भाजपा पार्टी पर जमकर आक्रोश दिखाए और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को जगाने का कार्य जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। 15 वर्षों से जो जनता को शिवराज जी ने ठगा है, अब कांग्रेस पार्टी जनता को ठगने नहीं देगी। आइए जानते हैं कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जन आक्रोश यात्रा निकालना क्यों पड़ा? देखिए आज जिस तरह का प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं बची जी। जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर तबका हम समझते हैं कि परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्ष की सरकार में सिर्फ कुशासन रहा है। आज कर्मचारी वर्ग आंदोलन में थे, 18 वर्षों में इन्होंने कोई काम किया नहीं। अब जब चुनाव नजदीक आया तो बोलते हम ये भी कर देंगे, डेली कुछ न कुछ प्रलोभन दे रहे हैं। तो जो निकम्मा व्यक्ति 18 वर्ष में जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो अभी चुनाव के समय क्या कर देंगे? तो आज जनता जिस तरह से आक्रोशित, जनता जो चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हुए, यहाँ तक कि जो तेंदूपत्ता का लाभांश का पैसा मिलता है उसमें भी भ्रष्टाचार इन्होंने करने की कोशिश की। आज बेरोजगार इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो सिर्फ परीक्षाएं देते हैं, रिजल्ट आता है बट उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता है, घोटाला हो जाता है। तो ऐसा कोई वर्ग बचा नहीं है जिनके साथ इन्होंने छलावा नहीं किया है। हम जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में 7 जगह से जन आक्रोश यात्रा की 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा निकलेगी और आज चितरंगी विधानसभा क्षेत्र से एक यात्रा का शुभारंभ हुआ है। तो 30 विधानसभा क्षेत्र तक की यात्रा जाएगी और हम लोगों के बीच में जाके जन चर्चा करेंगे, लोगों के साथ जो आक्रोश है जनता का उनके साथ हम लोग बातचीत करके और उनको ये बताएंगे अब समय आ गया है इन बहुरूपियों से सावधान रहने की और इनका जो चुनावी घोषणा है इसमें अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप बदलाव करिए, पूरे प्रदेश में देश में बदलाव का माहौल है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है तो कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र अछूता नहीं रह जाए। हम सबका ये लक्ष्य है कि हम 230 विधानसभा क्षेत्रों में परचम फहराएं। उस उद्देश्य को लेकर हम लोग आज जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।